हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं वल्वा डेवलपमेंट की इन द सी एलिगेंस में। सो जो वल्वा डेवलपमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करती हूँ CSI UGC नेट की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। तुम्हारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक बार अनअकैडमी पे इसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन यूट्यूब पे आप लोगों के लिए नहीं लेके आई थी। तो मैं वल्वा डेवलपमेंट यहाँ पे कंप्लीट करा रही हूँ, जिसकी वजह से आपका एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक क्वेश्चन अगर आता है तो 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, तो वो आज से कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वल्वा डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपको फ्री क्लासेस लेनी है आपको, तो मेरी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस होती हैं एज यू ऑल नो। उसके बाद मेरी स्पेशल क्लासेस पर भी फ्री क्लासेस होती हैं, ठीक है। ये जो स्पेशल क्लासेस होती हैं ये अन अकेडमी की एक ऐप है, वहाँ पे तुम्हारी स्पेशल क्लासेस होती हैं, ये भी फ्री होती हैं। तो आपको क्या कर लेना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, उसके बाद अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है। आप जैसे ही इसको डाउनलोड कर लोगे और ऐप को ओपन करोगे, आप यहाँ पे सर्च इंजन आएगा, देखो सर्च आएगा, आपको CSI UGC नेट को सर्च कर लेना है। उसके बाद कुमकुम गौतम को जैसे ही सर्च करोगे तो वहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी वजह से जब भी मेरी क्लास होगी 6 बजे होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप ये कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं आपको और अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ कि आपको CSI UGC नेट के लिए, एक होता है तुम्हारा फ्री कोर्सेज जो मैं अभी प्रोवाइड करा रही हूँ, और एक होते हैं प्लस कोर्सेज जो पेड होते हैं। और अगर कोई चीज़ पेड है मतलब तुम्हें प्रॉपरली उस चीज़ के लिए पढ़ाया जाता है, आपको प्रॉपरली नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको प्रॉपरली क्लासेस दी जाती हैं, जिसकी वजह से आपको तो GRF है जल्दी से जल्दी क्लियर हो सके। आपको इसके लिए करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ पे इजीली मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद सर्च इंजन में डालना है CSI UGC नेट। आप जैसे ये डालेंगे आपको ले लेना है सब्सक्रिप्शन। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको रेगुलरली पढ़ाई करनी है, आप रेगुलरली चाहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करें, तो आप इसका ले सकते हैं। आप 3 मंथ्स का भी ले सकते हैं, आप 6 मंथ्स का भी ले सकते हैं, 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स का। तो इन आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितने मंथ्स का लेना है। तो जो भी बच्चे अभी नवंबर 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई थिंक उनके लिए 3 मंथ्स का बेटर है। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन के साथ साथ आपके मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। सो प्रैक्टिस इज मस्ट, क्योंकि CSI UGC नेट जो एग्ज़ाम है वो तुम्हारा ऑनलाइन होने लग गया है, और ऑनलाइन की प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना तुम्हें टाइम का मैनेजमेंट समझ में नहीं आएगा। आई थिंक 12 मंथ्स का ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पे 866 पर मंथ जाते हैं, जबकि अगर 6 मंथ्स का लेते हो तो 1418 पर मंथ जाता है। तो 12 मंथ्स वाला ले सकते हो, आई थिंक ये बहुत बेटर होता है, बहुत ज़्यादा सही होता है। इसमें आपको प्रॉपरली आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करी जाती है, रेगुलर क्लासेस होंगी आपकी, सारा कोर्स कम्प्लीट कराया जाएगा। आप जितनी चाहे उतनी लाइव क्लासेस ले सकते हैं, जितने भी टीचर्स की चाहे उतनी क्लासेस ले सकते हैं जो CSI या UGC नेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको जो नोट्स है वो PDF फॉर्मेट में मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाती है। और एक होता है तुम्हारा हर वीक तुम्हारी क्विजेस कराई जाती हैं। क्विजेस से क्या होता है, तुम्हारा सारा का सारा रिवीजन हो जाता है। तो बहुत कुछ होता है, तो तुम 12 मंथ्स वाला आई थिंक बेटर रहता है, क्योंकि ज़्यादा पैसे भी नहीं है, तो तुम 12 मंथ्स वाला ले सकते हो। 24 मंथ्स वाला आई थिंक उनके लिए बेटर है जो मास्टर्स के अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है या फिर सेकेंड सेमेस्टर में, तो उनके लिए 24 मंथ्स वाला बहुत ज़्यादा बेटर होता है। तो अगर मैं रेफरल कोड की बात करती हूँ, तो अबाउट 11,550 आपको पे करना होता है, लेकिन आप एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो विच इज़ कुमकुम10। कुमकुम10 करने से क्या होता है, आपको 10% ऑफ मिल जाता है। और मेरे कोर्स के साथ साथ जितने भी और भी टीचर्स हैं, आपको CSI UGC नेट के जितने भी टीचर्स हैं, आपको उनके कोर्सेज मिल जाते हैं। और अबाउट 10,395 आपको पे करना होगा फॉर 1 साल का अमाउंट बेटा, तो आई थिंक ज़्यादा नहीं है, तो तुम आ सकते हो प्लस पे। देन आपको करना है प्रोसीड टू पेमेंट, आप क्या कर सकते हैं, फिर आप 10% ऑफ आपको इंस्टेंट मिलेगा, कुमकुम10 अप्लाई करते ही मिलेगा, ओके। और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पेमेंट जो करना है, पेमेंट आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, आप EMI के थ्रू कर सकते हो, जहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन भी होता है। नो कॉस्ट EMI वाला एक ऑप्शन मतलब क्या है, तुम्हें इंटरेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप इंस्टॉलमेंट में सारे के सारे पैसे जो है वो पे कर सकते हो। मतलब अगर 10,000 तुम्हारे पैसे जा रहे हैं, तो तुम 1,000 रुपीज़ अप करके मंथ दे सकते हो, इससे तुम्हारे ऊपर लोड भी नहीं आएगा और तुम्हारी पेमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी और तुम्हारी क्लासेस भी प्रॉपर हो जाएंगी। तो तुम ये वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो और आप प्लस पे ज्वाइन कर सकते हो।
अब बात करते हैं वल्वा डेवलपमेंट की। तो ये जो वल्वा डेवलपमेंट है हमारा, वो तुम्हारा होता है निमेटोड्स में, ठीक है। अब निमेटोड्स क्या होते हैं? निमेटोड्स को तुम एस्केलमिंथस भी बोलते हो, ठीक है, एस्केलमिंथस भी बोलते हो। ये जो निमेटोड्स होते हैं बेसिकली, इसके अंदर जो इंक्लूड है सी एलिगेंस, हम इसके ऊपर पढ़ाई करते हैं जब हम बात करते हैं वल्वा डेवलपमेंट के। अब ये जो सी एलिगेंस है उसको हमने यूज़ करा, क्यों यूज़ करा, कैसे यूज़ करा, वल्वा डेवलपमेंट क्या होता है, ये सब के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं सी एलिगेंस के नेचर के बारे में। तो ये हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसेस द मेल गैमीट फर्स्ट एंड लेज द एग देन रिलीज थ्रू इट्स यूटरस आफ्टर द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है जो मेल है, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो भी प्रेजेंट है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या होता है, जो मेल है वो पहले तुम्हारा गैमीट को रिलीज करेगा, फर्स्ट इट विल रिलीज इट्स गैमीट, गैमीट को रिलीज करेगा। उसके बाद तुम्हारी जो ओवरी होगी, यहाँ पे जो भी तुम्हारा फीमेल का सेक्स ऑर्गन होगा वो तुम्हारा एग को रिलीज करेगा। उसके बाद यहाँ पे रिलीज थ्रू इट्स यूटरस आफ्टर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और यूटरस के थ्रू इनको रिमूव कर दिया जाता है, ओके, जिसकी वजह से ये नए अपना ऑर्गेनिज्म बना देंगे। सी एलिगेंस की अगर वो बात करती हूँ तो इसके अंदर होते हैं फाइव पेयर ऑटोजोम्स, फाइव पेयर ऑटोजोम्स होते हैं और सिर्फ एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोजोम का। हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, जिसमें 22 पेयर्स जो होते हैं वो हमारे ऑटोजोम्स के ही होते हैं। सेक्स इन द सी एलिगेंस इज बेस्ड ऑन एक्सओ सेक्स डोमिनेशन सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो सी एलिगेंस हैं, जो मेल में जो होंगे उनके पास एक्सओ वाला केस होता है, जबकि फीमेल जो होती है उनमें एक्सएक्स वाला केस होता है। बेसिकली जो एक्सएक्स वाला होता है वो तुम्हारा हर्माफ्रोडाइट होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे ही होते हैं जो सी एलिगेंस होंगे वो हर्माफ्रोडाइट होंगे, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे तुम्हारा सी एलिगेंस मेल भी हो सकते हैं अगर उनके पास ये वाला क्रोमोसोम का पेयर है तो, ओके। तो ये तुम्हारा जनरल था पूरा। जो सी एलिगेंस होता है उसको हमने क्यों यूज़ किया, वी शुड नो कि हमने सी एलिगेंस को ही क्यों लिया, कि मुझे अगर उस पर स्टडी करनी थी तो मैंने सी एलिगेंस को ही कर लिया। देखो सी एलिगेंस होता है ऐसा, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होगा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ट्रांसपेरेंट है तो मैं उसको इजीली देख सकती हूँ कि उसके अंदर बॉडी में चल क्या रहा है। तो ट्रांसपेरेंट वाला एक फ़ायदा हो गया, ईजी टू ग्रो, मैं इसको बहुत ईजिली ग्रो कर सकती हूँ। अगर मैं लेबोरेटरी में चाहती हूँ इसको ग्रो करना तो बहुत ईजिली ग्रो कर सकती हूँ। और इसका है शॉर्ट जनरेशन टाइम, इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है डिवाइड करने में, इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ग्रो करने में, इसलिए इसकी क्या है शॉर्ट जनरेशन टाइम है और ईजी टू ग्रो है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है अगर मुझे किसी चीज़ की स्टडी करनी है तो। वर्म इज ट्रांसपेरेंट एट ऑल स्टेजेस ऑफ द लाइफ। तो अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो मैं इजीली देख पाऊंगी इसकी बॉडी में चेंजेस क्या हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस नहीं हो रहे हैं, कैसे इसकी बॉडी चेंज हो रही है। तो ये मेरा एक फ़ायदा हो जाता है सी एलिगेंस को एज अ ऑर्गेनिज्म लेने का, जहाँ पे मैं स्टडी कर सकती हूँ लेबोरेटरी में। दिस नेचर ऑफ द वॉर्म हैज इनेबल यू टू मॉनिटर द एंटायर डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ द वॉर्म एट अ सेलुलर लेवल। और इस नेचर, इसके वॉर्म में हम, सॉरी, ये जो वॉर्म होता है इसको वॉर्म भी बोला जाता है, राउंड वॉर्म्स, ये जो वॉर्म्स होते हैं ये इनके हम एंटायर डेवलपमेंटल प्रोसेस को भी ईजिली स्टडी कर सकते हैं। एवरी सेल डिविजन इन द पाथवे फॉर्म द फर्टिलाइज एग टू द एडल्ट वॉर्म हैज बीन आइडेंटिफाइड। तो हमने सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया है इसकी, इसके बारे में स्पेशली कि एग से एडल्ट फॉर्म कैसे फॉर्म होता है। तो सी एलिगेंस को पढ़ना इजी है क्योंकि इजी टू ग्रो है, शॉर्ट जनरेशन टाइम है, ट्रांसपेरेंट है और इजीली मॉनिटर कर सकते हैं हम इनकी एंटायर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को। तो ये होता है थोड़ा बहुत बेसिक, जहाँ पे तुम्हें पता रहना चाहिए था कि क्या होता है। अब आती है वल्वा डेवलपमेंट। वल्वा क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए कि वल्वा चीज़ है क्या, ये तो हमें नहीं पता कि कौन सा क्या चीज़ है, क्या पार्ट है। वल्वा जो है वो पार्ट है फीमेल सेक्स अपेरेटस का। देखो तुम्हें बताया मैंने कि हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, इसमें मेल भी सेक्स ऑर्गन्स हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी हैं। तो ये जो फीमेल सेक्स अपेरेटस होता है वो वल्वा जो है उसका एक पार्ट है, एक उसका पार्ट है जहाँ पे क्या करता है, तुम्हारा स्पर्म जो है एंट्री करता है और फर्टिलाइज एग को लीव कर देता है फ्रॉम द गोनेड, ओके।
सो जो वल्वा है एक वो वाला पार्ट है जहाँ पे तुम्हारा स्पर्म एंट्री करेगा, एग को फर्टिलाइज करेगा, एक फीमेल सेक्स एपरेटस का ये पार्ट होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है अगर मैं बात करती हूँ डिवीजन ऑफ नेमेटोड्स की. नाउ एडल्ट वल्वा कंप्राइजेस ऑफ 22 सेल्स एंड फाउंड मिड वेंट्रली. मिड वेंट्रली का मतलब क्या हुआ, एक साइड होती है डॉर्सल और एक होती है मिड वेंट्रल. तो ये जो मिड वेंट्रल जो साइड है, यहाँ पे जो साइड है यहाँ पे तुम्हारा पाया जाता है और इसके पास होती हैं 22 सेल्स पाई जाती हैं वल्वा के पास में. ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा. नाउ इट इज नेसेसरी फॉर द एगलिंग ऑल्सो, क्योंकि फीमेल सेक्स एपरेटस का पार्ट है तो ये एगलिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. It involves the intercellular signaling and the cascade of the reaction, which finally leads into the transcriptional regulation. Obviously, अगर fertilization हो रहा है उसके बाद तुम्हें पूरा का पूरा environment चाहिए, तुम्हें पूरा का पूरा intercellular signaling चाहिए. Cascade of reaction is required to maintain that fertilized, you know, embryo. तो इसके लिए तुम्हें transcriptional regulation की भी जरूरत होती है, तो vulva उसमें भी part play करता है. अब इसमें 22 सेल्स होती हैं, जो बेसिकली जो तीन इंपॉर्टेंट सेल होती हैं वो होती है तुम्हारी 5-6 पॉइंट पी, P5 पॉइंट पी और P7 पॉइंट पी. ये तीन सेल्स पाई जाती हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा बेसिक बता रही हूँ. P6 पॉइंट पी जो सेल होती है, ठीक है, ये तुम्हारा जो अडॉप्ट करती है, ये प्राइमरी वल्वा सेल, प्रिकर्सर सेल मानी जाती हैं, जो प्राइमरी सेल मानी जाती हैं. लेकिन अगर मैं 5P की बात करती हूँ और 7P वाले की बात करती हूँ, तो ये जो तुम्हारी है वो सेकेंडरी वल्वल सेल मानी जाती है, सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स मानी जाती हैं. अब ये जो तीनों सेल्स होती हैं तुम्हारी 22 सेल्स प्रोवाइड करती हैं जो वल्वा, ठीक है, वल्वा फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे. तो ये तीन सेल्स हैं, अभी हम आके ढंग से इसके बारे में बात करने वाले हैं. ना ये है तुम्हारा गोनेडल वाला रीजन, ठीक है, गोनेडल वाला रीजन है, टू आर्म्ड है. ये है तुम्हारा वल्वा, वल्वा वाला रीजन, ये मिड वेंट्रली वाला जो रीजन है ये तुम्हारा वल्वा है. ये तुम्हारा फीमेल सेक्स एपरेटस हो गया पूरा, जहाँ पे ओसाइट भी प्रेजेंट है. ये स्पर्मेथिका आ गया यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाएगी, तो धीरे धीरे यहाँ पे फ्यूजन होगा वल्वा में, उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा और ये सब में प्रोवाइड हेल्प करता है, उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है वल्वा. अब वल्वा डेवलपमेंट होने वाला था, अब क्या होता है, दीज 22 सेल देन रिकॉग्नाइज ए पोजीशन टू कंस्ट्रक्ट द वल्वा. अब ये मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या होता है, जो 22 सेल तुम्हारी बनी है, 22 सेल्स तुम्हारी जो बनी है ये तुम्हारी वल्वा फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी. अब होता क्या है ये देखना है पहले, हम इस पे बाद में आएंगे, पहले हम देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़. यस, पहले हम देखते हैं एंकर सेल्स क्या होती हैं. देखो क्या होता है, तुम्हारा जो गुनेट्स होते हैं, मतलब जो अभी मैंने पीछे वाला गुनेट्स वाला रीजन दिखाया तुम्हें, ये वाला जो गुनेट्स वाला रीजन दिखाया, यहाँ पे एक एंकर सेल प्रेजेंट होती है, इधर एक एंकर सेल प्रेजेंट होती है. अभी एंकर सेल फॉर्म कैसे होती हैं पहले ये देखना है, ये बनती कैसे हैं. तो एंकर सेल जो बनती हैं तुम्हारी दो सेल पाई जाती हैं. देखो अगर इसकी पोजिशन दिखाती हूँ तुम्हें, तो ये हो गया तुम्हारा गुनेडल रीजन, ये वाला हो गया तुम्हारा गुनेडल रीजन, ये हो गया गोनेडल रीजन. और गोनेडल रीजन के बाद में ये जो पार्ट हो गया ये होता है तुम्हारा एंकर सेल. अब ये एंकर सेल ही रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारा वल्वा फॉर्मेशन करने में. पहले ये देख लेते हैं कि तुम्हारा ये एंकर सेल ही कैसे फॉर्म होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक. तो तुम्हारे बॉडी में, मतलब जो तुम्हारी नहीं, सी एलिगेंस की जो बॉडी होती है उसमें दो सेल्स होती हैं, दैट इज Z1PPP और एक होती है Z4AAA, ठीक है, ये दो सेल्स पाई जाती हैं. अब इन दोनों सेल्स के पास बिल्कुल इक्वल पोटेंशियल है, मतलब एक कॉम्पिटिटर है, इन दोनों के पास पोटेंशियल है कि ये भी एंकर सेल फॉर्म कर सकता है और ये भी एंकर सेल फॉर्म कर सकता है. पर क्या होता है, कुछ एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से सिर्फ एक ही जो सेल है वो तुम्हारा एंकर सेल बनेगा और जो दूसरा सेल है तुम्हारा यूटराइन टिश्यू के फॉर्म में फॉर्म हो जाएगा. अब क्या होता है, नाउ द फॉर्मेशन ऑफ एंकर सेल इज मीडिएटेड बाय द LIN12. अभी बताऊंगी इसके बारे में. सी एलिगेंस हर्माफ्रोडाइट्स टू एडजेसेंट सेल्स Z1PPP, Z4AAA, दे हैव द सेम पोटेंशियल टू बिगिन द एंकर सेल. मतलब दोनों के पास पोटेंशियल है कि वो एंकर सेल फॉर्म कर सकते हैं. दे इंटरेक्ट इन अ मैनर दैट वन ऑफ द एंकर सेल विल फॉर्म एंड अदर विल फॉर्म यूटराइन टिश्यूज. अब क्या होता है इसमें,
अगर लिन 12 जीन उसको मिल जाता है, अगर दोनों में से किसी में को भी लिन 12 जीन मिल जाता है, ठीक है, वो क्या होगा, वो जो सेल बन जाएगी, वो सेल डेस्टिन टू बिकम अ यूटराइन प्रिकर्सर सेल, वो क्या बन जाएगी, यूटराइन प्रिकर्सर सेल बन जाएगी। जैसे मैंने माना, यहाँ पे समझो, अगर ये Z1PPP थी, अगर इसको तुम्हारा क्या मिल गया, लिन 12 जीन का सिक्रीशन मिल गया, ठीक है, लिन 12 जीन का सिक्रीशन मिल गया, तो ये तुम्हारी क्या बन जाएगी, ये तुम्हारी बनेगी यूटराइन प्रिकर्सर सेल बन जाएंगी, यूटराइन प्रिकर्सर सेल्स बन जाएंगी। लेकिन क्या होता है, द प्रिजम्पटिव एंकर सेल डज नॉट नीडेड, लिन 12 उसको नहीं चाहिए होता है। द सेल सीक्रीटिंग अ लेग टू, जिसने लेग टू को सीक्रीट करा है, बिकम्स अ गोनेडल एंकर सेल, वाइल द सेल रिसीविंग अ सिग्नल थ्रू इट्स लिन 12 प्रोटीन बिकम्स अ वेंट्रल प्रिकर्सर, यूटराइन प्रिकर्सर सेल्स। तो याद रखना है कि एंकर सेल कैसे फॉर्म हुई है, क्योंकि उसके अंदर लेग टू था, जबकि अगर लिन 12 का सीक्रीशन किसी के पास आएगा तो वो क्या बन जाएंगी, यूटराइन प्रिकर्सर सेल्स फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है, यूटराइन प्रिकर्सर सेल फॉर्म कर देंगे। तो ये तुम्हारी क्या बन गई, पहले तुम्हारी क्या बन गई, एंकर सेल फॉर्म हो गई। अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, अगर तुम्हारा लिन 12 जो जीन है उसके अंदर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, तो मतलब उसने अपना काम छोड़ दिया, वो क्या कर रहा था, तुम्हारी यूटराइन प्रिकर्सर सेल को आइडेंटिफाई कर रहा था कि कौन सी यूटराइन प्रिकर्सर सेल फॉर्म होने वाली है। अगर इसका लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, मतलब ये तो तुम्हारा यूटराइन प्रिकर्सर सेल बना रहा था, लेकिन ये अब नहीं बना पाएगा, क्यों, क्योंकि इसका लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। तो क्या हुआ कि ये दोनों जो सेल्स थी तुम्हारी, ये दोनों जो सेल्स थी तुम्हारी, दोनों क्या बन जाएंगी, दोनों तुम्हारी फिर बन जाएंगी एंकर सेल, क्या बन जाएंगी, एंकर सेल बन जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। सो इन द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ लिन 12 म्यूटेंट्स, बोथ सेल बिकम्स अ एंकर सेल, दोनों के दोनों एंकर सेल्स फॉर्म कर देंगे। अगर गेन ऑफ फंक्शन हो गया, अगर लिन 12 का गेन ऑफ फंक्शन हो गया, तो वो क्या काम कर रहा था, यूटराइन प्रिकर्सर सेल्स को फॉर्म करवा रहा था। गेन ऑफ फंक्शन मतलब वो अपना काम कर रहा था अच्छे से, लेकिन क्या करा तुमने, इतना उसको प्रवोक कर दिया कि उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या करेगा, ये तुम्हारी Z1PPP को और Z4AA को, इन दोनों को तुम्हारा बना देगा यूटराइन प्रिकर्सर सेल्स, ये दोनों सेल्स को उस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो एक पहला क्वेश्चन ये हो गया, सेकंड क्वेश्चन ये हो गया, इस चीज को याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम इसका प्रोसेस, पहले प्रोसेस करते हैं उसके बाद हम जाएंगे। देखो प्रोसेस में क्या होता है, पहले तुम्हें जनरेशन करना होता है वल्वा प्रिकर्सर सेल्स का। तो क्या होता है, अगर मैं बात करती हूँ तो तुम्हारी 11 PNP सेल्स होती हैं, 11 PNP सेल्स होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे करके तुम्हारी 6, 11 PNP सेल्स होती हैं। अब क्या होता है, इसमें से छः को डिसाइड किया जाता है कि ये जो है ये मेरे पार्टिसिपेट करेंगी मेरे वल्वल फॉर्मेशन में, ठीक है। तो छः को डिसाइड किया जाता है कि 6 VPCs डिसाइड कर लिया, मतलब क्या हुआ तुम्हारा, तुमने ऐसे सोचो, तुमने एक एक टीम बनानी थी, कोई भी तुम्हारा कंपटीशन था, तुम्हें टीम बनानी थी और तुम्हें देखना था कि तुम्हें बहुत अच्छा एक अच्छे से कॉम्पिटिटर जो होगा, जो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकता है, जो पार्टिसिपेट कर सकता है, तुम्हें उसको चूज करना था। तुमने क्या करा, 11 लोगों को सेलेक्ट करा, उसमें से भी जो अच्छे होंगे तुम 6 लोगों को सेलेक्ट कर लोगे। वैसे ही वल्वल प्रिकर्सर सेल क्या करती हैं, इन 11 PNP में से सिर्फ 6 को चूज करती हैं। इस 6 को चूज क्यों करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा अच्छा अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा और वो अच्छे से तुम्हारा बनाने में हेल्प करेंगी। ओके ये तो तुम्हारा ये हो गया, आर लोकेटेड ऑन द वेंट्रल एपिडर्मिस, यस, क्योंकि मिड वेंट्रल है तुम्हारा वल्वा। अब वल्वा प्रिकर्सर पैटर्निंग होती है, इसमें क्या होता है तुम्हारा, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, देखो ये तुम्हारा हो गया गोनेड वाला रीजन, ये हो गया ऊपर वाला, ये जो रीजन है ये तुम्हारा हो गया गोनेड वाला रीजन, आई थिंक सारा ब्लू ब्लू हो गया ना, ये गोनेड वाला रीजन हो गया। यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का था, ये था क्या तुम्हारा एंकर सेल्स थे। ये जो एंकर सेल्स होते हैं वो 6 VPCs को डिसाइड कर लेते हैं। तो कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 VPCs को डिसाइड कर लिया कि ये जो है मेरे वल्वा प्रिकर्सर सेल में काम आने वाली है। ओके
अब गोनेडल सिग्नल देगा, मतलब जो गोनेड वाला वो था वो सिग्नल टू वीपीसीज, दे स्पेसिफाई 3 वीपीसीज टू जनरेट अ वल्वल सेल। तो याद रखना है गोनेड सिर्फ थोड़ा बहुत अवो देता है, लेकिन जो मेन काम होता है वो एंकर सेल का होता है, कि अगर एंकर सेल उसको सिग्नल नहीं देंगी तो कोई भी वल्वा फॉर्म नहीं होगा। एक बार को अगर गोनेडल तुम्हारा हट जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर एंकर सेल हट गया जो उसकी जो उसको रास्ता दिखा रहा था, जो उसको एंकर कर रहा था, तो अगर वही हट गया तो वो तुम्हारे वल्वा प्रिकर्सर सेल को फॉर्म नहीं होने देगा। तो ये जो एंकर सेल होती हैं वो कुछ तुम्हारे फैक्टर्स रिलीज करती हैं, जो तुम्हारे इस छों में से भी जो तुमने छः चूज करे थे उसमें से भी तुम्हारा और डिवीजन कर देती हैं, विच इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इसका डिवीजन कर देती हैं। जो प्राइमरी होता है, जो प्राइमरी सेल्स होती हैं उसमें एक सेल आती है, जो सेकेंडरी होती है, नॉर्मली बता रही हूँ, कोई म्यूटेशन केस नहीं बता रही हूँ अभी, जो सेकेंडरी होता है इसमें दो सेल्स आते हैं, और जो टर्शरी होता है कितनी आती है उसमें तीन सेल्स आती हैं। तो ये कंप्लीट कितनी हो गई तुम्हारी, सिक्स सेल्स कंप्लीट हो गई। तो ये होता है तुम्हारा वल्वल प्रिकर्सर पैटर्निंग। ओके, सो वल्वल लीनेजेस आर ऑफ टू टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड ईच ऑफ विच जनरेट अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोजेनीज, एंड अनइंड्यूस्ड वीपीसी जनरेट अ टर्शरी लीनेजेस। अब क्या होता है, ये छो जो होती हैं, ये छो तुम्हारी वीपीसीज जो हैं, मतलब जितनी ये बनी हुई हैं सारी की सारी, ये जो छो पूरी की पूरी थी, इनके पास होता है इक्विपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल, एक मतलब इक्विपोटेंशियल मतलब हो गया उनके पास इक्वल पोटेंशियल होता है, कि अगर एंकर सेल, जो एंकर सेल जो स्पेसिफिक फैक्टर रिलीज करने वाली है, अगर वो इसको मिल जाए, एक सेकेंड में कलर चेंज करती हूँ वरना समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को, रेडी कर लेती हूँ। अगर तुम्हारा इस वाली को तुम्हारा जो एंकर सेल का सिक्रीशन मिल गया तो ये भी तुम्हारी प्राइमरी फॉर्म कर सकती है, अगर इसको मिल गया तो ये भी फॉर्म कर सकती है, इसको मिल गया तो ये भी फॉर्म कर सकती है। लेकिन जो एंकर सेल का जो सिक्रीशन होता है वो डिपेंड करता है तुम्हारे डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, कि जो उसके सबसे ज़्यादा पास में होगा उसको ज़्यादा सिक्रीशन मिल जाएगा। अगर कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा है, अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो इस सेल को ज़्यादा मिल जाता है, जिस वजह से ये प्राइमरी फॉर्म कर देगा, इसको थोड़ा कम मिलेगा, इसको थोड़ा कम मिलेगा तो सेकेंडरी फॉर्म कर देगा, इन तीनों को कुछ नहीं मिलता है तो इसलिए टर्शरी बन जाते हैं। ओके, ये नॉर्मल सा है। जनरेशन ऑफ एडल्ट सेल, अडल्ट वल्वा कंप्राइज ऑफ 22 न्यूक्लियस, जो मैं बता चुकी हूँ 22 सेल बनाएंगे तुम्हारे। अब कैसे बनाएंगे सब पढ़ेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ वल्वा अकर्स ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज फ्रॉम द सिक्स सेल्स विच इज नोन एज वल्वा प्रिकर्सर सेल। तो याद रखना है जो छह सेल है वो तुम्हारी वीपीसीज होती हैं, दैट इज वल्वल प्रिकर्सर सेल्स होती हैं। Now, cell connecting the overlying gonad to the vulvar precursor cell is known as anchor cell. इसके बारे में मैं पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ तुमसे। हाँ, चलो ये पढ़ लेते हैं एक बार क्या होता है। अब ये तुम्हारी जो anchor cells थी, जो anchor cells थी दिखा चुकी हूँ, एक secretion provide करती हैं जिसको बोला जाता है lin 3 का एक secretion provide करती हैं, जो होता है एक inductive signal। inductive का मतलब क्या होता है, जो इंड्यूस करेगा चेंजेस को, जो रिस्पॉन्सिबल होगा टू इंड्यूसिंग एनी चेंज इन द नियर बाय सेल्स। ये एक पैराक्राइन फैक्टर है, बिल्कुल नहीं भूलना है, ये एक पैराक्राइन फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इंड्यूस करने के लिए, चेंजेस इंड्यूस करने के लिए। दैट कैन एक्टिवेट द आरटीकेस पाथवे। इसके पास प्रॉपर्टी नहीं है आरटीके पाथवे की, ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है आरटीकेस पाथवे को, ये खुद एक्टिवेट कर रहा है, इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है आरटीके पाथवे की, ये याद रखना, एक बार क्वेश्चन आ चुका है ये चीज। अब क्या होता है, जैसे ये लिन 3 प्रोड्यूस होता है, ये लिन 3 प्रोड्यूस हो गया तुम्हारा, लिन 3 जैसे प्रोड्यूस होगा इसको कौन लेगा, इसको लेता है एक LAT23 रिसेप्टर, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। ये लिन 3 जो था यहाँ पे आके बाइंड करेगा किससे, LAT23 रिसेप्टर से। ओके, उसके बाद ये जो तुम्हारा आरटीकेस पाथवे था, तुम्हारा मैप काइनेज में फॉलोड हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा जो भी प्रोसेस होगा, जो भी सिग्नल ट्रांजेक्शन होना है, कैस्केड ऑफ रिएक्शन होनी है, वो हो जाती है। Now, the six VPCs influenced by the anchor cell form an equivalence group, बहुत important है,
छह के छह के पास में ये प्रॉपर्टी है कि वो कॉम्पिटेंट हैं वल्वल सेल फॉर्म करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक वर्ड इसका। इक्विवेलेंस ग्रुप का मतलब होता है ये जो छह सेल हैं उनके पास प्रॉपर्टी है कि वो वल्वा प्रिकर्सर सेल बना सकती हैं। सो ईच मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इज कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब जो किसी चीज को लेने के लिए तैयार हो, टू बिकम द वल्वल सेल। तो ये सारी की सारी रेडी है हो जाए। कैन अज्यूम एनी ऑफ द थ्री फेट्स, कौन कौन से फेट्स हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी फेट है, डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द एंकर सेल। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि उसका डिस्टेंस पास में है या दूर में है। जो जितना पास में होगा उसको ज़्यादा ही उसको ये लिम थ्री का जो सिक्रीशन है ज़्यादा मिल जाएगा, और जितना ज़्यादा मिलेगा वो क्या बना देगा, तुम्हारी प्राइमरी सेल बना देगा, और जिसको बेचारे को थोड़ा कम मिलेगा वो सेकेंडरी बना देगा, और जिसको मिलेगा नहीं वो क्या बनाएगा, टर्शरी बना देगा। ओके, अब फिगर के थ्रू समझ लेते हैं क्या होता है, ये हम अभी पढ़ेंगे एक साथ अच्छे से। यहाँ पे तुम्हारी गोनेडल सेल्स हो गई, ठीक है, ये गोनेडल सेल्स हो गई, उसके बाद ये तुम्हारी एंकर सेल हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है एंकर सेल्स। अब ये एंकर सेल क्या करती हैं, तुम्हारी लिन थ्री का सिक्रीशन करती हैं, जो एक इंडक्टिव सिग्नल है। क्या है ये, एक इंडक्टिव सिग्नल है, इसका सिक्रीशन करेंगी। ये जो इंडक्टिव सिग्नल होता है ये तुम्हारा किससे बाइंड करता है, इन सेल से जाके बाइंड करता है, और इन सेल्स के पास क्या होता है, अगर मैं कलर दूसरा लूँ एक सेकेंड, बड़ा ही इशू है कलर का। चलो भी ये ब्लू वाला ही ले लेती हूँ। देखो क्या होता है कि ये जो ये तुम्हारे क्या होंगे, इसके पास लेट 23 रिसेप्टर्स होते हैं, लेट 23 रिसेप्टर्स होते हैं, इन सबके पास लेट 23 रिसेप्टर्स होंगे। ये क्या है, लेट 23 रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। क्या होता है ये लिन थ्री क्या करेगा, ये मैंने जैसे बताया एंकर सेल का जो सिक्रीशन है, मतलब जो लिन थ्री है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो प्रॉक्सिमिटी पे डिपेंड करता है। प्रॉक्सिमिटी मतलब पास में है या दूर में है, जो जितना पास होगा वो उसका सिक्रीशन जो होगा ज़्यादा जाएगा। जैसे तुम ऐसे बात करते हो कि तुम कुछ जैसे कोई एग्जाम्पल मैं बताऊँ, खाने का ही बताऊँ फिर किसका बताऊँ, जैसे तुम पानी आता है तुम्हारा, ठीक है, टैंकर्स में कहीं कहीं पानी आता है, जैसे हम उस टीवीज में देखते हैं जब बहुत से सीरियल्स आते थे कि एक आता था वाटर टैंक आता था और उसमें से तुम्हें पानी भरना आता था। तो जो उस वाटर टैंक के पास में होगा, मतलब क्या हुआ, जैसे अगर ये आंटी यहाँ पे वाटर टैंक के पास सबसे पहले खड़ी हुई है बकेट लेके, तो पानी इसकी प्रॉक्सिमिटी में ज़्यादा है। अगर प्रॉक्सिमिटी में ज़्यादा है तो मतलब पानी इसके को ज़्यादा मिलने वाला है एज़ कम्पेयर टू द वो आंटी जो वहाँ दूर में खड़ी हुई है, उनको कम मिलेगा। तो जितना प्रॉक्सिमिटी उसके पास होगी उसको उतना ही सामान मिलने वाला है। तो लिन थ्री जो उसका सिक्रीशन होता है, तो जो P6P है, ये जो P6P है ये बिल्कुल पास में है, ये बिल्कुल पास में है, ये कलर डिफरेंस देख रहे हो, रेड वाला कितना डिफरेंस कितना ज़्यादा है। तो लिन थ्री का सिक्रीशन जो होता है P6P को सबसे ज़्यादा मिलता है। अगर P6P को सबसे ज़्यादा मिलने वाला है तो ये क्या बनाएगा, तुम्हारा प्राइमरी वल्वल प्रिकर्सर सेल बनाएगा। कौन सी VPCs, कौन सी प्राइमरी वाली, जिन्हें बोला जाता है सेंट्रल VPCs, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सेंट्रल VPCs बोला जाता है। अब अगर मैं बात करती हूँ लिन थ्री का जो सिक्रीशन होता है 5P के पास और 5-7P के पास थोड़ा थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कम आ रहा है, ज़्यादा सिक्रीशन नहीं आ रहा है, लेकिन इसीलिए थोड़ा कम कम सिक्रीशन आ रहा है, इतना सिक्रीशन नहीं आ रहा जितना P6P के पास में आ रहा था, जिसकी वजह से क्या होगा, जो तुम्हारा P5P होगा वो भी सेकेंडरी बनाएगा, और जो P7P होगा वो भी सेकेंडरी बनाएगा, जिसे बोला जाता है लेटरल वल्वा प्रिकर्सर सेल। क्या बोला जाता है, लेटरल वल्वा प्रिकर्सर सेल्स। तो P5P और P7P जो होगा वो मेरा लेटरल ये दोनों बनाएंगे। अब ये तो बाकी जो तीन सेल बच गए कौन कौन सी, 3P 4P और 8P, ये 3, 4 और 8P जो होता है ये बनाते हैं मेरे हाइपोडर्मिस। मतलब क्या हुआ कि इनको बिचारों को लिन थ्री का सिक्रीशन मिला ही नहीं, बिचारों को सिक्रीशन मिला ही नहीं, इन्होंने क्या बनाना पड़ा, इनको बनाना पड़ा हाइपोडर्मिस। इन बिचारों को कुछ सिक्रीशन मिला ही नहीं, इसलिए टर्शरी भी बोल देते हैं, लेकिन इनका कोई रोल नहीं होता है वल्वा प्रिकर्सर सेल फॉर्मेशन करने में, क्योंकि ये सब जो होते हैं अपने कॉन्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने आप को हाइपोडर्मिस फॉर्मेशन में। तो इनका बेचारों को, इनको लिन थ्री नहीं मिलता है। अब ये जो प्राइमरी सेल होती है ये तुम्हारी 8 सेल बनाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 सेल बनाएंगी, और जो दोनों लेटरल हैं ये मेरी 7 और 7 फॉर्म करेंगी। तो टोटल कितनी वल्वा प्रिकर्सर सेल हो गई, 7 प्लस 8
7 कितनी हो गई, 22 जो सेल्स होती हैं वो तुम्हारी फॉर्म हो जाती हैं, विच वी कॉल्ड वल्वल प्रिकर्सर सेल। इनको क्या बोला जाता है, वल्वल प्रिकर्सर सेल बोला जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक सेकेंड वरना तुम्हें समझ नहीं आएगा फिर। अब क्या होता है, ये तुम्हारी P6P जैसे ही तुम्हारी प्राइमरी बल्बल प्रिकर्सर सेल फॉर्म हो गई, वो क्या करती है, वो जैसे अगर किसी को राजगद्दी मिल गई, ठीक है, अगर उसको उसके कुछ कॉम्पिटिटर हैं जो जो वो भी राजगद्दी पे बैठ सकते हैं, वो क्या करेगा, उनको हटाने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे बाहुबली में अगर वो बन जाता है राजा, तो वो उसको बिल्कुल नहीं जिंदा जिंदा रहने देना चाहता, क्यों, क्योंकि वो उसको आके छीन सकता है उस पोजीशन को। तो ये P6P क्या करता है, ये भी एक ऐसा ही राजा है जो दूसरों को अपनी प्लेस पे नहीं आने देना चाहता, तो इसके लिए वो एक इनहिबिटर सीक्रेट करता है, विच इज अ LIN-12। LIN-12 वो सीक्रेट करेगा दोनों साइड में, मतलब P5P को भी देगा और P7P को भी देगा उस पॉइजन को, जिसकी वजह से क्या होगा, ये तुम्हारी प्राइमरी सेल ना बन के ये सेकेंडरी सेल में ही कन्वर्ट रहेंगी। ये अगर इनको LIN-3 का वो मिलेगा, तो इन दोनों को इनिबिट करके रखेगा, बोलेगा मैं बन चुका हूँ, अब नहीं चाहता कि तुम दोनों भी इस पोजीशन पे आओ, तो इसीलिए एक ही प्राइमरी रह जाती है और दो बन जाती हैं तुम्हारी लेटरल। तो ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसका। अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। नाउ LIN-3 इज सीक्रेटेड फ्रॉम द एंकर सेल, बता चुकी हूँ, फॉर्म्स अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन विच द VPC इज विच इज क्लोजेस्ट टू द एंकर सेल। कौन सी है, P6P जो क्लोजेस्ट थी, ये क्या बना देंगी, तुम्हारी प्राइमरी वल्वल प्रिकर्सर सेल बना देंगी, या फिर क्या बना देंगी, सेंट्रल VPCs फॉर्म कर देंगी। द टू एडजेसेंट VPCs कौन कौन सी थी, इसके आसपास वाली कौन सी थी, P5P और P7P। दे रिसीव अ लोअर अमाउंट ऑफ LIN-3, जितना ये रिसीव कर रहा था उतने नहीं करेंगे, ये कम कम LIN-3 लेंगे, जिसकी वजह से क्या बन जाएंगे, ये लेटरल सेल फॉर्म हो जाती है, लेटरल या फिर सेकेंडरी वल्वल प्रिकर्सर सेल फॉर्म हो जाती है। नाउ VPCs विच इज फार्दर अवे फ्रॉम द एंकर सेल, जो सबसे ज्यादा दूर थी, जो सबसे फार्दर अवे थी एंकर सेल से, दे डू नॉट रिसीव थ्रू इनफ LIN-3, वो ज्यादा उनको LIN-3 मिलेगा ही नहीं, अगर उन्हें LIN-3 मिलेगा ही नहीं, तो वो क्या बना देंगे, हाइपोडर्मिस फॉर्म कर देंगी, या फिर जिन्हें बोला जाता है टर्शरी वल्वल सेल। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये जो LIN-12 होता है, ये क्या किसके लिए काम आएगा, लेटरल इनिबिशन को। लेटरल मतलब होता है जो बिल्कुल ऐसे वाली चीज है, मतलब लेटरली जो इनिबिट करेगा, तुम्हारा जो लेटरली इनिबिट करता है उसको बोला जाता है लेटरल इनिबिशन। क्यों, क्योंकि तुम्हारी 5P को इनिबिट कर रहा है और तुम्हारी P7P को इनिबिट कर रहा है। नाउ इट इज एक्टिवेटेड बाय द प्राइमरी वल्वल सेल, जो P5 जो P6P होती है, जो प्राइमरी वल्वल प्रिकर्सर सेल होती है, वो रिलीज करती है LIN-12 को, वो रिलीज करेंगी और इनको लेटरली जो सेल्स होंगी उनको इनिबिट करके रखती हैं, उनको सेंट्रल वल्वल फिनोटाइप में कन्वर्ट नहीं होने देना चाहती हैं। एक LIN-39 आता है, विच इज रिक्वायर्ड और नेसेसरी फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ VPCs, तो ये भी तुम्हारा थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है। LIN-39 इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इसका, भाई स्पेसिफिकेशन ऑफ VPCs में आ जाएगा, तो इतना याद रखना है इसके बारे में। नाउ लेटर सिग्नलिंग अमंग द इंड्यूस्ड VPCs व्हाइल LIN-12 दैट इज स्पेसिफाई द सेकेंडरी फीड्स, ये बता चुकी हूँ। अब क्या होता है, जो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है LIN-12 के बारे में, तो जो LIN-12 होता है वो जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग शो करता है, जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग शो करता है दैट इंड्यूसेस द, वो भी किस पे काम करेगा, नेबर सेल पे काम करेगा। तो जो तुम्हारी P6P सेल्स होती हैं, वो तुम्हारा LIN-12 जो काम रिलीज करती हैं, वो एक जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग फंक्शन का काम करेगा, और लिटरली जो नेबर सेल्स होती है, जो पड़ोस वाली जो सेल्स होती हैं, वहाँ पे जाके काम करेगा बाय द नॉच पाथवे के थ्रू काम करेगा। जैसे वहाँ पे देखा हमने LIN-3 जो था RTK's पाथवे को एक्टिवेट करता है, वैसे ही नॉच पाथवे के थ्रू काम करेगा और ये प्रिवेंट करेगा P5 और P7 को सेंट्रल वर्बल सेल फॉर्मेशन से। ओके, और LIN-39 इज रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द VPCs। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, वो सब याद रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं, और जो जितने भी क्वेश्चन अभी यहाँ से आए हुए हैं वो हम सारे के सारे अभी इसके थ्रू डिस्कस कर लेंगे। देखो म्यूटेशन केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है।
इसको मैं पढ़ती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी, और बिल्कुल हो सकता है तुम शॉर्ट नोट्स बना लो कि ये म्यूटेटेड हो गया तो क्या बन जाएगा, ये म्यूटेटेड हो गया तो क्या बन जाएगा, तो शॉर्ट नोट्स बना बना के रख लो। इफ द एंकर सेल इज डिस्ट्रॉयड, अगर तुम्हारी एंकर सेल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या तुम्हारा कोई भी बल्बल प्रिकर्सर सेल फॉर्म होगा? ये तो मैंने स्टार्ट में बताया था। यहाँ पे अगर एंकर सेल को बिल्कुल डिस्ट्रॉयड कर दिया गया तो जो तुम्हारी बीपीसीज थी, जो बीपीसीज थी वो तुम्हारी वल्वा फॉर्म नहीं करेंगी, वो वल्वा फॉर्म नहीं करेंगी, और वल्वा फॉर्म नहीं करेंगी तो उनके पास कोई और काम नहीं है, उनका जो काम है फिर क्या बनाएंगी, वो हाइपोडर्मिस या फिर स्किन का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करेंगी, तो वल्वा नहीं फॉर्म होगा। तो याद रखना है, इफ एंकर सेल इज डिस्ट्रॉयड या फिर द बीपीसीज विल नॉट फॉर्म द वल्वा, इंस्टेड दे बिकम अ पार्ट ऑफ द हाइपोडर्मिस और द स्किन। ओके, सेकेंड क्या है, इफ द एंकर सेल इज डिस्ट्रॉयड और म्यूटेटेड देन ऑल सिक्स सेल्स ऑफ द इक्विवेलेंस ग्रुप डिवाइड वंस एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द हाइपोडर्मल टिश्यूज। तो ये वही वाली चीज है कि अगर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा क्योंकि इक्विवेलेंस ग्रुप में थी तो कोई और भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो हाइपोडर्मल टिश्यू बन जाएंगे लेकिन वल्वा सेल नहीं बनेंगे क्योंकि एंकर सेल के पास ही लिन थ्री होता है जो उसको सीक्रेट करके निकालता है, अगर वो नहीं होगा तो कोई भी वल्वा फॉर्मेशन नहीं होगा। इफ थ्री सेंट्रल वीपीसीज आर डिस्ट्रॉयड, अगर तुम्हारी प्राइमरी दो सेकेंडरी अगर इन तीनों को भी डिस्ट्रॉयड कर दिया गया तो क्या होगा, इनको तीनों को डिस्ट्रॉयड कर दिया तो क्या हो गया? तो मैंने तुम्हें बताया था जो छह वल्वल प्रिकर्सर सेल्स होती हैं वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट हैं, कॉम्पिटेंट है मतलब इक्विवेलेंस ग्रुप है, तो अगर ये सारी की सारी डिस्ट्रॉयड हो गई तो जो तुम्हारी बाकी जो तीनों बची थी जो तुम्हारा हाइपोडर्मल सेल बनानी थी तो वो क्या बनाएंगी, वो तुम्हारा वल्वा सेल बना देंगी, वो वल्वा फॉर्मेशन कर देंगी फिर। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि थ्री सेंट्रल वीपीसीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो क्या होगा, द आउटर थ्री सेल्स विच नॉर्मली फॉर्म हाइपोडर्मिस, जो हाइपोडर्मिस बनाती थी अब वो क्या बना देंगी, तुम्हारी वल्वल सेल बना देंगी। क्यों? क्योंकि सारे छहों की छहों जो थी इक्विवेलेंस थी। जैसे क्या हुआ, तुमने छह प्लेयर्स को चूज करा था खेलने के लिए, ठीक है, अब तुमने जो मेन जो रखे तीन रखे थे और बाकी तीन को उन्होंने तुमने रिजर्व में रखा था, रिजर्व में रखा हुआ था कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो इन तीनों को खिला लूंगा, नहीं तो ये तीन तो खेलने वाले हैं। अब क्या हुआ, इन तीनों को हो गया कोरोना, इन तीनों को क्या हो गया, कोरोना हो गया। अगर कोरोना हो गया तब तो खेल नहीं सकते, अगर ये खेल नहीं सकते तो मैंने रिजर्व में जो तीन रखे हुए थे एंड मूवमेंट पे मैं इन तीनों को ही खिलाऊंगी। तो ये जो तीनों छह होते हैं इक्विवेलेंस ग्रुप पे माने जाते हैं, तो वैसे याद रखना है अगर तीन मेन सेल को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो जो बाकी तीन बची हैं वो तुम्हारा हाइपोडर्मिस जो बनाती थी वो वल्वल सेल फॉर्मेशन में हेल्प कर देंगी। नेक्स्ट इज इन लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ लिन 12 म्यूटेंट्स, अगर लिन 12 का म्यूटेंट अगर हो गया मतलब क्या हुआ, उसने अपना काम खो दिया, वो जो काम करता था वो उसने काम छोड़ दिया है, वो क्या करता था, लेटरली इनिबिशन कर रहा था किसका, P5P का और P7P का, इन लोगों को प्राइमरी सेंट्रल जो वल्वल सेल है उनको बनने नहीं दे रहा था। अब क्या होगा, अगर वो म्यूटेंट हो गया देन बोथ सेल बिकम द एंकर सेल वेयर इज इन गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, बोथ सेल बिकम अ यूट्राइन प्रिकर्सर सेल्स। तो ये लिन 12 म्यूटेंट जो जीन वाला था, ये वो वाला पार्ट है, ये लिन 12 ये वाला नहीं है, ये जो है वो लिन 12 है, ये लिन 12 है, ठीक है। ये जो तो हमारा एंकर सेल वाला था वहाँ पे, वैसे मैंने बताया था कि अगर म्यूटेशन हो जाती है तो दोनों के दोनों एंकर सेल बन जाएंगी और अगर गेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो यूट्राइन प्रिकर्सर हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग वाला था, इसे कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ इफ लो लिन 3 और लो लेट 23, मतलब जो तुम्हारा लिन 3 जो बन रहा है एंकर सेल से वो भी कम है और जो लेट 23 बन रहा है वो भी कम है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो क्या तुम्हारा प्राइमरी वल्वल प्रिकर्सर सेल फॉर्म हो पाएगा? इसमें प्राइमरी वल्वल सेल फॉर्म नहीं होगा क्योंकि उसका अमाउंट किसी के पास ज्यादा गया ही नहीं है, तो अगर अमाउंट ज्यादा नहीं गया है तो कोई भी प्राइमरी वल्वल प्रिकर्सर सेल नहीं बनेगा, वल्वल प्रिकर्सर सेल नहीं बनेगा मतलब गलत हो गया ये वाला, मतलब गलत इन द सेंस क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। सेकेंड इज लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ लिन 3, अगर लिन 3 का काम क्या था, लिन 3 का काम ये था कि जिसके पास ज्यादा जाएगा, जिसके पास ज्यादा जाएगा उसको प्राइमरी बना देगा, जिसके पास कम जाएगा उसको सेकेंडरी बना देगा। अब उसका फंक्शन लॉस हो गया, अब उसको नहीं पता मुझे ज्यादा जाना है, मुझे कम जाना है, क्या होना है कुछ पता नहीं, तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी बनाने का जो उसके पास फॉर्मूला था
वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर इसका फंक्शन लॉस हो गया तो क्या हुआ, ऑल सेल विल हैव अ टर्शरी फेट, तो किसी को पार्शियलिटी नहीं करेगा और टर्शरी फेट का ही सारी सेल्स को फॉर्म कर देगा अगर इसका लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, अगर इसने अपना फंक्शन खो दिया तो। नाउ इफ लेट 23 रिसेप्टर म्यूटेटेड, इसका मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारे लिन 3 को जो लेने वाला था, तो तुम्हारा लेट 23 जो रिसेप्टर था, अगर वही तुम्हारा म्यूटेटेड हो गया तो लिन 3 को लेगा कौन, अगर कोई लेगा नहीं तो क्या तुम्हारा बल्बा बनेगा, तो कोई भी बल्बा फॉर्मेशन नहीं होगी, कोई भी बल्बा फॉर्मेशन नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इसको लिख लेना कहीं भी, अगर कोई भी बच्चा अभी पढ़ रहा है तो इसको। ना गोनेडल सेल डिस्ट्रॉयड, तो क्या गोनेडल सेल का कोई इफेक्ट हो रहा था इस चीज पे, सिक्रीशन कौन कर रहा है, तुम्हारा एंकर सेल सिक्रीशन कर रहा है, गोनेडल सेल का कोई रोल नहीं होता वल्वल फॉर्मेशन में, तो अगर तुम गोनेडल सेल को डिस्ट्रॉय भी कर दोगे तो वल्वा विल फॉर्म नॉर्मली, क्योंकि जो तुम्हारा एंकर सेल है वो रिस्पॉन्सिबल है वो तुम्हारे लिन 3 को रिलीज करने के लिए, गोनेडल सेल्स का कोई भी रोल नहीं है, तो अगर तुम इसको डिस्ट्रॉय भी कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नाउ टर्शरी वीपीसीज अगर डिस्ट्रॉय कर दी, मतलब जो तुम्हारे तीनों हाइपोडर्मिस बना रही थी वो तुमने डिस्ट्रॉय कर दी, कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला, वो तो प्राइमरी वल्वा सेकेंडरी वल्वा फॉर्म हो जाएगा, तो वल्वा विल फॉर्म। इफ एसी पोजिशन शिफ्टेड, मतलब पहले देखो, पहले जो मेरा एंकर सेल था वो यहाँ प्रेजेंट था, अब क्या करा मैंने, यहाँ शिफ्ट कर दिया, अब मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो वो सीक्रेशन तो उतना ही करने वाली है, जिसको ज़्यादा मिलेगा वो वहाँ पे वल्वा प्राइमरी सेल बना देगा, जिसको कम मिलेगा वो सेकेंडरी या टर्शरी बना देगा, तो वल्वा विल फॉर्म एट डिफरेंट पोजिशन, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है पोजिशन से, तो तुम्हारा शिफ्ट कर दोगे तो वहीं पे वो उसको दूसरा वल्वा वहाँ पे डिफरेंट पोजिशन में बना देगा। If all three central VPCs are destroyed, जैसे मैं बता चुकी हूँ, जो तीनों बच्ची हैं जो हाइपोडर्मिस बनाने वाली थी वो तुम्हारा वल्वा फॉर्म कर देंगी, तो ये तुम्हारे म्यूटेशन केसेस हैं। अब इसमें क्या बोला है, द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ लिन 3, लिन 3 ने अपना फंक्शन खो दिया है, ठीक है, जैसे उसमें मैंने दिखाया था कि लॉस ऑफ फंक्शन लिन 3 ने खो दिया था, तो मतलब वो टर्शरी बना रही थी, तुम्हारा टर्शरी बना रही थी। अब इसमें क्या बोला है, एक इंपॉर्टेंट लाइन जोड़ दी है, गेन ऑफ फंक्शन ऑफ लेट 23 रिसेप्टर, मतलब क्या था, पहले अगर तुम्हारा एक लिन 3 आता था तो तुम्हारा जो लेट 23 था 5 मॉलिक्यूल्स को वहां पे एक्टिवेट करता था और उसके बाद तुम्हारी प्राइमरी वल्वल प्रीकर्सर सेल को फॉर्म कर देता था, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका हो गया लॉस ऑफ फंक्शन, तो इसने छह सेल्स को इतना दिया, छह सेल्स को इतने क्या दिया, एक एक अपना मॉलिक्यूल दिया, लेकिन अब जो तुम्हारे गेन ऑफ फंक्शन हो गया लेट 23 रिसेप्टर का, पहले जो 5 को रिलीज करने के लिए प्राइमरी बना रहा था, अब वो एक का भी 10 या 10 10 10 फॉर्म कर सकता है, मतलब उसका बहुत ज्यादा गेन ऑफ फंक्शन हो गया है, वो छोटी सी चीज पे भी इतना उखड़ के आ रहा है, इतना ज्यादा एम्प्लीफाई कर रहा है चीजों को, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बना देगा मल्टी वल्वा फॉर्मेशन, तो याद रखना है दोनों का डिफरेंस क्या होगा। सेकेंड इज रिड्यूस्ड फंक्शन ऑफ लिन 23, अगर रिड्यूस्ड फंक्शन हो गया, रिड्यूस्ड मतलब जो पहले उनके पास भी जा रहा था, सेकेंडरी वाले के पास में जा रहा था, वो नहीं जा पाएगा, तो सिर्फ प्राइमरी वीपीसीज बनेंगी, टर्शरी वाली बनेंगी, ठीक है, तो सेकेंडरी वाले का फंक्शन ही खत्म हो जाएगा, बहुत कम आ रहा है तो उसने ले लिया, पहली वाली ने ले लिया, ठीक है, पहली वाली ने सारा ले लिया, सेकेंडरी वाली तक पहुंचेगा नहीं, और टर्शरी वाली तो वैसे भी नहीं पहुंचने वाला था, तो सेकेंडरी वाली भी टर्शरी में कन्वर्ट हो जाएंगी। सेकेंड इज ओवर एक्सप्रेशन ऑफ लिन 3, अगर लिन 3 का एक्सप्रेशन ज्यादा हो गया, तो जितना तुम्हारे तीनों सेलों के पास में लिन 3 जा रहा था, तो तीनों को वो सेंट्रल सेल में फॉर्म कर देगा एंड फॉर्म अ प्राइमरी वल्वा ऑफ ऑल थ्री सेंट्रल सेल्स, जितनी भी 5 6 7 तीनों के पास में प्राइमरी वल्वा फॉर्म करवा देगा, वाइल अदर विल रिक्वायर सेकेंडरी फील्ड, ठीक है, अगर ओवर एक्सप्रेशन हो गया लिन 23 का। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना एक बार। नाउ सी एलिगेंस हर्मोफ्रोडाइट बल्बा डेवलप ड्यूरिंग अ पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्रॉम द वेंट्रल एपिडर्मिस प्रिकर्सर्स एंड कनेक्ट द डेवलपिंग यूटरस टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द हर्मोफ्रोडाइट बल्बा इज सिंपल ऑर्गन कंसिस्टिंग ऑफ 22 सेल्स दैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, पूरा मैंने गाथा गा दी है, उसके बाद भी समझ में नहीं आती है। ये क्वेश्चन है, तो ये मैं जो क्लास है ये तुम्हारी लाइव नहीं है, तो इसलिए मैं 10 सेकंड दे रही हूँ, तुम ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ उस क्वेश्चन को।
हाँ, इसमें बोला है इन सी एलिगेंस एन एंकर सेल एंड अ फ्यू हाइपोडर्मल सेल्स टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द वल्वा। तो इसमें बोला है सी एलिगेंस में कुछ एंकर सेल होती हैं और हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं जो फॉर्मेशन ऑफ वल्वा में हेल्प करती हैं। द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ दीज सेल्स इन द वल्वा फॉर्मेशन एंड द रिजल्ट ऑब्टेंड आर फॉलोज। इफ द एंकर सेल इज किल्ड बाय द लेजर बीम, अगर एंकर सेल को किल कर दिया गया बाय द लेजर बीम, द हाइपोडर्मल सेल्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द वल्वल फॉर्मेशन एंड नो वल्वा डेवलप। ऑब्वियसली एंकर सेल तुम्हारा गया, लिन थ्री नहीं निकलेगा और तुम्हारा कुछ फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। इफ सिक्स हाइपोडर्मल सेल्स क्लोजली लोकेटेड विद द एंकर सेल्स आर किल्ड, जो सिक्स हाइपोडर्मल सेल्स थी जो क्लोजली लोकेटेड थी एंकर सेल्स के साथ में, वो किल कर दी गई, तब भी कोई नो वल्वा डेवलप होगा। If the three central vulval precursor cell are destroyed, अगर तीनों central cell को destroy कर दिया गया, तो जो बाहर वाली तीनों थी वो क्या कर देंगी, normally form a hypodermis, take the fate of the vulval cell instead, ठीक है, वो अपनी जगह ले लेंगी, उसकी जगह ले लेंगी। अब क्या बोला है, following are the certain statement regarding the vulval formation, तो vulva formation के लिए हमें statement दे दिया है। अब हमें बोला है which combination of the above statement have been derived from the above experiment result, अपना दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें एक्सपेरिमेंट रिजल्ट जो दे रखे हैं, तुम्हें ये जो तीनों दे रखे हैं उसी के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। नाउ इसमें बोला है ए में एंकर सेल एक्ट एज अ इंड्यूसर, देखो पहली वाले में क्या था कि अगर मैं एंकर सेल को लेजर बीम से किल कर रही हूँ तो मतलब वो तुम्हारा वल्वा फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसी चीज है एंकर सेल के पास में जो इंड्यूसर का काम कर रही है, तो हाँ ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट से मिलता हुआ है, तो ये हो सकता है, अगर ये हो सकता है तुम्हारा ये भी गया और ये भी गया। सेकेंड वाला देखो, बी वाला देखो, सिक्स हाइपोडर्मल सेल विद द पोटेंशियलिटी टू फॉर्म अ वल्वा फॉर्म एन इक्विवेलेंस ग्रुप। इसमें अगर तुम देखोगे इफ थ्री सेंट्रल सेल्स वल्वल प्रिकर्सर सेल आर डिस्ट्रॉयड, तो बाकी जो तीन थी वो तुम्हारा हाइपोडर्मिस में काम कर रही थी, जो वो तुम्हारा वल्वल सेल का काम ले लेंगी, इसका मतलब क्या हुआ, उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो इक्विवेलेंस ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, तो ये भी सही हो गया, ठीक है, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट क्या है, द थ्री आउट ऑफ द सिक्स हाइपोडर्मल सेल पार्टिसिपेट इन द वल्वल फॉर्मेशन, क्या तो ये सही होगा, ठीक है, या फिर होगा द सेंट्रल सेल फंक्शन एज अ प्राइमरी सेल एंड द टू सेल्स ऑन द बोथ द साइड एज अ सेकेंडरी सेल। कहीं तुमने ये पढ़ा यहाँ पे, कहीं पूरे में पढ़ा कि प्राइमरी सेल कौन सी होगी, सेकेंडरी सेल कौन सी होगी, इस एक्सपेरिमेंट में तुमने किसी ने बोला, इसमें सेकेंड में क्या बोला है, अगर छह हाइपोडर्मल सेल्स हैं क्लोजली रिलेटेड हैं एंकर सेल के साथ में, ठीक है, अगर वो किल्ड कर दी जाए, अगर उनको मार दिया जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कोई वल्वा फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक, कोई वल्वा फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें ये बोला गया था, तो इसका मतलब क्या है, हमें कहीं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का कोई भी जिक्र नहीं करा गया था, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। तो इसमें बोला है तीन में से सिक्स ऐसी हैं जो तुम्हारा हाइपोडर्मल वल्वा सेमेशन वल्वा फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, क्योंकि इसमें बोला गया था कि थ्री जो सेंट्रल सेल्स हैं अगर तुम उनको हटा दोगे तो बाकी जो तीन होंगी वो काम कर लेंगी उस चीज़ का, तो मतलब जो छः में से तीन जो है वो इंपॉर्टेंट थी और तीन तुम्हारी हाइपोडर्मिस बना रही थी, ठीक है, तो ये वाला भी तुम्हारा सही हो गया। अगर ये वाला सही हो गया, सी वाला सही, सारे के सारे हैं, सही सारे के सारे हैं, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बताना था कि एक्सपेरिमेंट में क्या दे रखा है और मेरे हिसाब से ये रिजल्ट आया है, तो मैं क्या इन्फ्रेंस क्या निकाल सकती हूँ, इसका इंटरप्रेट क्या कर सकती हूँ इस चीज़ से, तो वो ए बी सी हो गया, तो जो आंसर होगा वो तुम्हारा ए बी सी होगा, जबकि तुम्हारा डी भी सही है और ई भी सही है। जो प्राइमरी सेल होती है तुम्हारा जक्स्टाक्राइन सिग्नल सीक्रेट करती है लिन 12, जो तुम्हारा दोनों को इनहिबिट कर देगा, सेंट्रल सोल सेल जो होती है प्राइमरी बनाएगी, सेकेंडरी सेल जो दोनों आपस में बन जाएंगी, सब कुछ सही था, लेकिन एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देखना था कि उसमें क्या बोला गया है और मुझे कितना दिमाग लगाना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना था, आता था आई नो, आना अलग चीज़ है, लेकिन पेपर के हिसाब से करना बहुत अलग चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 सेकेंड दे रही हूँ, फटाफट से ट्राई करो, अगर हो सकता है तो, नहीं तो मैं कराती हूँ फिर। चलो देखते हैं, ड्यूरिंग द वल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस द एंकर सेल प्रोड्यूस अ लिन 3 प्रोटीन व्हिच इंटरैक्ट विद द लैटर 23 रिसेप्टर्स एंड प्रेजेंट ऑन द सिक्स वल्वल प्रिकर्सर सेल्स दैट फॉर्म एन इक्विवेलेंस ग्रुप। द सेंट्रल लीनियस सेल दैट इज P6P अडॉप्ट द प्राइमरी फेट, VPCs 5-7 अडॉप्ट द सेकेंडरी फेट और VPCs टर्शियरी फेट को अडॉप्ट करती हैं। फ्यू कॉलम्स आर गिवन लिस्टेड बिलो, तुम्हें क्या करना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन को देखना है। अगर तुम फर्स्ट वाला देखते हो, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ लिंक 3, ये मैंने बताया था तुम्हें
कि अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो मतलब लेंथ की को ये नहीं पता कि मुझे इसको ज़्यादा देना है, मुझे इसको कम देना है, उसको कुछ नहीं पता है। वो क्या करेगा, वो सबको इक्वली प्रोवाइड कर देगा, कोई पार्शलिटी नहीं करेगा। दैट मीन्स वो क्या करने वाला है, वो तुम्हारा ऑल वी पी सीज अडोप्ट द टर्शरी फेट। तो सारे के सारे जो वी पी सीज होंगे तुम्हारे टर्शरी फेट अडोप्ट करने वाले हैं। तो ए का हो गया फोर्थ, और ए का फोर्थ हो गया है तुम्हारा, ये भी ऑप्शन गया और ये भी ऑप्शन गया। सेकेंड मैंने बोला था लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ लिन थ्री, लिन थ्री का फंक्शन लॉस हो जाए, और गेन ऑफ फंक्शन ऑफ लेट रिसेप्टर। मैंने बोला था कि लिन थ्री अगर अपना फंक्शन लॉस कर देता है तो क्या होता है, सारे टर्शरी फेट में जाते हैं। लेकिन लेट 23 अगर तुम्हारा फंक्शन रीगेन कर लेता है तो एक तुम्हारे मॉलिक्यूल को भी बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर सकता है। अगर वो एम्पलीफाई कर सकता है मतलब तुम्हारा मल्टी वल्वा फॉर्मेशन कर सकता है। अगर मल्टी वल्वा फॉर्मेशन कर सकता है तो इसका है बी का टू और इसका है बी का थ्री, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो जो बी का होगा वो होगा सेकेंड, ये तो मैं पीछे करा चुकी हूँ ना। रिड्यूस्ड फंक्शन ऑफ लिन थ्री, जब लिन थ्री का फंक्शन रिड्यूस्ड हो जाएगा तो इसमें मैंने बताया था जो पी सिक्स पी है, अगर फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो वो एक एक को दे पाएगा, इतनी उसके पास हिम्मत नहीं होगी, उसको बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, तो वो सिक्स पी को ही दे पाएगा कि तुम ले लो जितना भी सामान लेना है, मैं सेवन और फाइव तक नहीं पहुँचा पाऊंगा। तो वो टर्शरी फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो पी सिक्स वाला था वो प्राइमरी फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो पी सिक्स पी अडोप्ट द प्राइमरी फेट एंड द रेस्ट ऑफ द वी पी सीज अडोप्ट द टर्शरी फेट। तो ये हो जाएगा सी का थर्ड। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ लिन थ्री, लिन थ्री का ओवर एक्सप्रेशन हो गया तो तुम्हारी जो तीनों सेल हैं वो प्राइमरी फेट डेवलप कर लेंगी। तो पी फाइव हो गया, पी सिक्स हो गया, पी सेवन हो गया अडोप्ट द प्राइमरी फेट, एंड पी फोर पी एंड पी एट पी अडोप्ट द सेकेंडरी फेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तुम्हारा हो जाता है आंसर। तो आंसर विल बी योर फर्स्ट, फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अच्छा 10 सेकंड दे रही हूँ, उस क्वेश्चन के आंसर को नहीं देखना था, वो जल्दी जल्दी में हो गया वहाँ पे, पर अभी ध्यान से देखो और सोचो एक बार। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा भी क्वेश्चन नहीं है। चलो, अ ग्रुप ऑफ सिक्स सेल्स कॉल्ड अ इक्विवेलेंस ग्रुप सेल्स डिवाइड टू फॉर्म अ वल्वल स्ट्रक्चर इन द सी एलिगेंस। ये बता चुकी हूँ, जो वी पी सीज होते हैं वो सिक्स होते हैं, सिक्स वल्वल सेल्स होती हैं जो इक्विवेलेंस ग्रुप बनाती हैं। मतलब क्या हुआ है, इनके पास इक्वल पोटेंशियल है क्या करने का, इक्वल पोटेंशियल है वी पी सीज फॉर्म करने का, इक्वल पोटेंशियल है ना। उसने बोला है दे आर सो कॉल्ड सो बिकॉज, यानी ऐसा क्यों बोला जाता है कि इनके पास इक्वल पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है, इनको ये बता था। तो मैं ये बताना है सिर्फ इनका मतलब क्या है। डी वाला ऑप्शन देखो, दे आर ऑल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंकर सेल एंड सिग्नल फ्रॉम व्हिच इनिशिएट द वल्वल डेवलपमेंट। क्या मैंने तुम्हें इक्विवेलेंस का मतलब ये बताया कि ये इनिशिएट करेंगे वल्वल डेवलपमेंट को सिग्नल, मतलब प्रॉपरली ये वाली चीज हो जाएगी क्या, नहीं होगा। ये वाली चीज मैंने तुम्हें नहीं बताई है, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन इसकी बतानी थी। सी देखो, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर ड्यूरिंग द वल्वल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अरे ये तुम्हारा इक्विवेलेंस ग्रुप थोड़ा बनाएगा, इक्वल पोटेंशियल थोड़ा शो कर रहा है, ये भी शो नहीं कर रहा है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को। ए वाला देखो, दे हैव सिमिलर फेट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। अरे सिमिलर फेट होता तो बेटा फिर इतनी मेहनत क्यों करता, किसको लेन थ्री चाहिए किसको नहीं चाहिए क्यों फर्क पड़ता, उसको कोई फर्क पड़ता, सिमिलर फेट नहीं होगा। ऑल सिक्स सेल्स आर कॉम्पिटेंट, यस सारी की सारी सेल में ये प्रॉपर्टी है, उन सब में ये पोटेंशियल है कि वो तुम्हारा वल्वा फॉर्म कर सकते हैं। जो छह लोग खड़े हैं मेरे साथ में उनके पास पोटेंशियल है कि वो एक एक पर्टिकुलर अपने किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो रिप्रेजेंट करने लायक होता है, जो मेन जिसको चीज़ें मिल जाती हैं, जिसको रिसोर्सेज मिल जाती हैं वो रिप्रेजेंट कर देता है, जिसको रिसोर्सेज नहीं मिलती हैं वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। सो कैन रिप्लेस ईच अदर अंडर द वेरियस एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। ये हमने अभी देख लिया कि अगर तीन सेल को तुम सेंट्रल वाली सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो बाकी जो तीन बची थी वो तुम्हारी उसकी जगह ले लेती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो बी वाला होगा वो तुम्हारा राइट आंसर होगा। और इस टॉपिक के बारे में बताती हूँ, इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं हर बार चार चार मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और ये चार मार्क्स का क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर चीज़ों से आएगा, म्यूटेशन केसेस पे आएगा या फिर सिंपल केसेस पे आएगा। तुम्हें याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी के हिसाब से मैं बात करती हूँ तो। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनका रिविजन हो गया होगा आई होप, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है आई थिंक उन्हें समझ में आया होगा।
अगर कोई भी आपको इश्यू आता है किसी भी चीज़ से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई है, या फिर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हो। सेकेंडली, जो भी मैं यहाँ टॉपिक कराती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट लगते हैं मुझे, मैं सारे के सारे यहाँ पे तुम्हें करा देती हूँ। चाहे मेरी कोई भी क्लास होती है, आई थिंक तुम लोगों ने देखी होंगी अगर जिसने भी बच्चे ने क्लासेस, तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन के साथ में ही सारी चीज़ें टॉपिक को ख़त्म करती हूँ। तो याद रखना है, तुम्हें भी थोड़ा सीखना है इस चीज़ से कि तुम भी कोई टॉपिक अगर ख़त्म कर रहे हो बिना प्रीवियस क्वेश्चन या फिर उससे जो रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लगाना मत भूला करो। कोई भी टॉपिक कर रहे हो तो अगर जो मैंने आज सी एलिगेंस तुम्हें पढ़ाया है, तुम इससे रिलेटेड टॉपिक्स के क्वेश्चन देखना, ठीक है, और उन्हें ट्राई करना, क्वेश्चन करना कि अगर तुमसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो लेट मी नो कि मैम ये नहीं हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यू टेल मी। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, तो आप बस प्रैक्टिस करें, और जो नवंबर वाला एग्ज़ाम के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर करें। और मैं भी अपनी वीडियोस में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा चुकी हूँ, और अगर किसी को प्लस पे आना है तो प्लस पे ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपरली रेगुलर आपकी क्लासेस होंगी और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है। जैसे यूट्यूब पर अगर पढ़ा रहे हैं, अगर हम अपना 80% भी दे रहे हैं तो वहाँ पर और अच्छे से परसेंटेज आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्री क्लासेस आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पे तो होती हैं मेरी फ्री क्लासेस, और इसके साथ साथ मेरी स्पेशल क्लासेस जो होती हैं वो भी फ्री होती हैं, जो अन अकेडमी पे क्लासेस होती हैं। आपको उसके लिए करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डाउनलोड कर लो। सर्च में डालो CSIUGC NET और फॉलो कर लो, कुमकुम गौतम सर्च करोगे मेरा नाम आ जाएगा, फोटो आ जाएगी, फॉलो कर लो, और जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा क्लास का तो आप मुझे बता सकते, मतलब मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे प्रॉपरली इंटरेक्शन होता है, तो जो भी बच्चे, कुछ कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जो बाद में यूट्यूब पे क्लासेस देखते हैं और मैं उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाती, इवन मुझे नहीं पता कि कौन कौन से बच्चे देखते हैं क्लासेस को, तो आप अनअकैडमी पे भी आ सकते हैं, या फिर आप जब यूट्यूब पे लाइव क्लासेस होती हैं तब भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको अनअकैडमी ऐप पे जाना है, CSIUGC NET को सर्च करना है और सब्सक्रिप्शन ले लेना है, और उसके लिए आपको कोड जो अप्लाई करना है वो कुमकुम10 अप्लाई करना है, कुमकुम10 को नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि अभी मेरी इनिशियल डेज हैं तो आप कुमकुम10 को कोड अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको 10% ऑफ मिलेगा। और मेरे कोर्स के साथ साथ जितने भी CSIUGC NET के टीचर्स हैं, जितने भी आपके CSIUGC NET के टीचर्स हैं, आपको सबके कोर्सेज मिल जाते हैं, तो आप प्लस पे आ सकते हैं। और प्लस को ज्वाइन करने का आपको बस सिर्फ इतना ही करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है, वो आप 3 मंथ्स का भी ले सकते हैं, आप 6 मंथ्स का भी ले सकते हैं, 12 मंथ्स का, या फिर 24 मंथ्स का। तो जो भी बच्चे अगर नवंबर 2020 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो तुम्हारा 3 मंथ्स का ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन के साथ साथ आपके मॉक टेस्ट, क्विजेस, इन सब के थ्रू आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका JRF निकलना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आई थिंक 6 मंथ्स की बात करती हूँ, 12 मंथ्स की बात करती हूँ, तो यहाँ पे 1418 पर मंथ पे करना होता है, लेकिन अगर 12 मंथ्स का लेते हो तो 866 पर मंथ पे करना होता है। तो आई थिंक ज़्यादा फीस नहीं है, तुम कंपैरिजन करोगे तुम किसी ऑफलाइन कोचिंग से और ऑनलाइन कोचिंग से, यहाँ पे तुम्हें रिसोर्सेज इतनी प्रोवाइड की जा रही हैं, तुम्हें नोट्स PDF में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, रेगुलर क्लासेस हो रही हैं और प्रॉपरली आपको पढ़ाया जा रहा है, डायरेक्शनल मतलब तुम्हारा पूरा एग्जाम ओरिएंटेड सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो आई थिंक इससे बेटर कुछ नहीं है, और ज़्यादा पैसे भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, जो नोट्स होते हैं वो PDF फॉर्मेट्स में आपको मिल जाते हैं, और आपको बहुत अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और रिगार्डिंग तुम्हारा कि PhD में कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो डायरेक्शन भी प्रोवाइड की जाती है, तो आप 12 मंथ्स का ले सकते हैं। और जो रेफरल कोड होता है वो 11,005 जो तुम्हें पेमेंट करनी होती है वो इतनी करनी होती है, लेकिन आप एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं विच इज़ कुमकुम10, इसको भूलना नहीं है। तो कुमकुम10 को कोड को अप्लाई करोगे आपको 10% ऑफ मिलेगा, और अबाउट 10,395 आपको पे करना होगा फॉर 1 ईयर, 1 साल की अगर मैं बात करनी हूँ, तो देन आपको करना है प्रोसीड टू पेमेंट। आपको इंस्टेंट ऑफ मिलेगा, आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, आप EMI के थ्रू कर सकते हैं, UPI के थ्रू कर सकते हैं, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। तो अगर मैं बात करती हूँ किसी के पास वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, उसके थ्रू कर सकता है। EMI के जो है यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है। यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती, आप जो पैसा है वो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। अबाउट 10,395 आपको पे करना होता है फॉर 1 ईयर, 1 साल की अगर मैं बात करती हूँ आपको इतना पे करना होता है।
तो आप इसको 1000 रुपीज़ पर मंथ करके पे कर सकते हैं, तो इतना कोई इशू नहीं है। तो अगर आपसे इतना पैसा नहीं है तो आप इतना भी कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करती हूँ वॉलेट के थ्रू कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, आप जैसे चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना नहीं भूलना है, जिस वजह से आपको 10% ऑफ मिलेगा। और मेरे कोर्स के साथ साथ जितने भी CSI UGC नेट के टीचर्स हैं, आपको सबके कोर्सेस मिलते हैं। सो आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ नया सीखा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच एवरी वन, थैंक यू।